नमस्कार, ज्ञानसागर यूट्यूब चैनल को आपण मन को स्वागत करुचि। आज विषय वस्तु नारी शिक्षा। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिबे, पसंद आसिले लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब करिबे। नारी और पुरुष भगवान अमृत सृष्टि अमृत संतान। नारी एकाधारे काया जननी और भगिनी, से शक्ति स्वरूपिणी और शक्तिकारिणी। एणु जुगे जुगे नारी सकल सम्मान अधिकारिणी। से संतान को जन्म दिए, से संतान को लालन पालन करे और सृष्टि को से बचाई रखे। नारी जातिर अपमान सकल सृष्टिर अपमान और ईश्वर प्रति अपमान। जो समाज रे नारीर अवहेलिता निर्यातना और अपमानित होची, से समाज रे समस्त प्रगति उन्नति और अग्रगतिर धारा बह्यात होची। नारी जातिर उन्नति रे परिवारर उन्नति, समाजर उन्नति और मनीष जातिर उन्नति। भगवान यही विचित्र सृष्टि रे नारी ही जननी हेबार गौरव हासिल करी। से नागरिक जन्मदात्री, से नागरिक को नहीं समाज सृष्टि। एणु नारी ही समाज सृष्टिकरणी। शिशु मार गर्भरे दश मास रही मार रक्त चालीचलनी और हावभाव को अंगाभृत कर जन्म निए एवं पांच वर्ष मार कोल लालित पालित हो मार प्रभाव में संपूर्ण प्रभावित हुए। शिवाजी दिने निज माँ जीजीबाई द्वारा और महात्मा गांधी निज माँ पुतुलीबाई द्वारा प्रभावित हो इतिहास एक नूतन अध्याय सृष्टि करते। नारी मैंने जदि अशिक्षित और अविद्या भितर गति करती तेज से आसंता वर्षधर को उपयुक्त शिक्षा देवार अक्षम होते। देशर सुनागरिक पाइबार वंचित हो और देशर अध्यवतन आरंभ हो। एक सुशिक्षित नारी तार कर्तव्य विषय आत्मसचेतना थाए, एणु से निजर कर्तव्य सुचारू रूपे तुलाए। देश और दशर मंगल पर नारी शिक्षा एकांत अपरिहार्य। नारी केवल निजर संतान मान नुह, निजर समग्र कुटुंब और आत्मीय स्वजन उपर अखंड प्रभाव पकाई थाए। नारीर प्रेरणा पुरुष अमृत सृष्टि करिपारे किंबा विषर बलय सृष्टि करी समाजर क्षति साधन करिथाय। कस्तूरी बाई को प्रेरणा रे महात्मा गांधी आज विश्व वंद्य हो पारिछंदी। पुराण कहे कुंतिंगर प्रभाव रे पंच पांडव धर्म युद्ध रे जय हेले, एपरिकी सती शिरोपणी माँ सीता प्रभाव रे जगत कथा परम ब्रह्म श्री रामचंद्र प्रभावित होइथिले। स्त्रीर कुमंत्रण वशवर्ती होई पुरुष अधर्मकर करिबार बहु दृष्टांत अच्छी। हिंदू परिवार स्नेह ममता युक्त एकन्नवर्ती परिवार रे आज नारीर कुपरामर्श खंड विखंड होउची। एणु नारी निज स्वभाव मते अमृत स्वरूपणी मातामयी, पुणी केतेबेले विश्वकर्ता दानवटी। समाज रे नारीर ए अखंड प्रभाव को देखी नारी शिक्षा जे समाज पई एकांत अपरिहार्य एहाकु केहि अस्वीकार करिपारिबे नाही। बहु प्राचीन कालरु नारी शिक्षा प्रति समाज स्वीकृति प्रकाश पाई। वैदिक जुगरे नारी माने शिक्षा लाभर वंचित होना। यज्ञानुष्ठान और समर भूमि रे पुरुष नारीर सहायता लोड़ी। से श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ ने सुवर्ण सीतार परिकल्पना करा। वेद मंत्र रचन गार्गी और लोपमुद्रा निजर दक्षता प्रतिपादन कर। समर भूमि राणी कैकेयी राजा दशरथ को सहायता लोड़ी। सेथिपाई श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ ने सुवर्ण सीतार परिकल्पना करा। वेद मंत्र रचन गार्गी और लोपमुद्रा निजर दक्षता प्रतिपादन कर। समर भूमि राणी कैकेयी राजा दशरथ को सहायता प्रदान कर पुराण प्रमाणित हुए। वैदिक जुगरे नारी शिक्षा प्रति अवहेला प्रदर्शन करा। मात्र मध्य जुगरे नारी शिक्षा विशेष भाव अवहेलित है। नारी को यह समय भिन्न दृष्टि देखागला। नारी को उपभोगर माध्यम भाव ग्रहण करा जाय थिला। शक्तिमयी आदर्शमयी नारी हेला अवहेला और दुर्बला। परदर्शिनी हो नारी एही समय रे निजर समस्त मर्यादा हराई थिला। तथापि मध्य एही रक्षणशील जुगरे सीमित संख्यक नारी निजर महत्व प्रतिपादन करि परिथिले। सांप्रतिक कालने नारी शिक्षार अग्रगति पाई सरकार विशेष ध्यान देइछन्ती। नारी शिक्षा पाई विभिन्न बालिका विद्यालय और महाविद्यालय खोला जाइछि। नारी मानक पाई विभिन्न आवश्यक विद्यालय मध्य खोला जाइछि। विभिन्न चाकरी क्षेत्र रे नारी मानक पाई संरक्षण व्यवस्था करा जाइछि। आधुनिक जुगरे नारी माने सब प्रकार क्षेत्र रे निजर महत्व प्रतिपादन करिछन्ती। विश्व नेत्री प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी एवं नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को किए बा न जाने
ଉଭୟ ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଆଜି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ନାରୀ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଛି। ଆଜିର ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତଃ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି। ଏହା ସଭ୍ୟତା ଓ ଆଜିର ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଝିଅ ପୁଅଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଏକଥା ବାପା ମା ଅନୁଭବ କଲେଣି। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁଅ ପରି ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ପୁତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ବହୁ ବିବାହ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସର୍ବୋପରି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ପରି ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ଦାନବ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହା ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି। ଯଦି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ଧାରା ଏପରି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର ରୂପେଲି କିରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଅମୃତର କିରଣ ଓ